मास्टर इंग्लिश ग्रामर अनिश द पार ऑफ वर्ड्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लैंग्वेज स्किल्स असलम लेडीज एंड जेंटमन आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का जो सब कैटेगरी है ग्रामर उसका फर्स्ट लेक्चर है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायवेंट इट आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इट्स बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम बहुत स्टार्ट में जाएंगे बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे ठीक है आज आप ये समझें ये सोचें कि आप पहली दफ़ा इंग्लिश को देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को देख रहे हैं सो so, अगर आपको ये चीज़ें आती भी हैं फिर भी ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं और ये आने वाली वीडियो में आपको हेल्प हाँ करेंगे सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ ग्रामर क्या है हम कब से कह रहे हैं ना कि इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर पे आज हमारा लेक्चर है तो ग्रामर क्या है सबसे पहले इस चीज़ को तो देखें सो so, ये बेसिकली रूल्स हैं ग्रामर्स क्या होते हैं रूल्स होते हैं बाई विच वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म्स एंड कंबाइंड इन टू सेंटेंसेस पहली बात होगी ये रूल्स हैं दूसरी बात वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म जो लफ्ज़ होते हैं वो अपनी फॉर्म को अपनी हालत को तब्दील करते हैं एंड कम्बाइंड इन टू सेंटेंसेस के वर्ड्स ही जो होते हैं वो नेक्स्ट मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं या काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाते हैं ठीक है तो ये ऐसे रूल्स होते हैं जो वर्ड्स की फॉर्म को चेंज करने में हेल्प करते हैं और सेंटेंसेस बनाने में भी यही हेल्प करते हैं ठीक है ये होता है ग्रामर इन ग्रामर वी स्टडी हाउ टू यूज द रूल्स टू रीड एंड राइट कुरेक्ट सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई रूल्स हमने पहली बात में देख लिया अब रूल्स कौन से हैं टू रीड एंड राइट कि आपने कोई चीज़ अगर पढ़नी है तो किस तरह से पढ़नी है ठीक है और अगर आपने कुछ लिखना है किसी भी चीज़ के बारे में तो किस तरह से लिखना है ये रूल्स हमें बताते हैं कौन से रूल्स ग्रामर के रूल्स बेसिकली ग्रामर हमें गाइड करता है कि हमने कुछ लिखना पढ़ना ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये कैसे करना है ठीक है आई होप कि ग्रामर की तो आपको समझ आ गई कि ग्रामर है क्या सो so, हम नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है लेटर स्टार्ट ग्रामर का किससे होता है लेटर से एक छोटे से लेटर से लेटर है क्या लेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर साउंड इन लैंग्वेज एंड यूज फॉर स्पेलिंग वर्ड्स पहली बात लेटर हमारे पास सिंबल है ठीक है सिंबल की कोई भी निशानदेही करते हैं मतलब ठीक है डिफरेंट जो लैंग्वेज़ होती हैं उनके डिफरेंट लेटर्स होते हैं जैसे हम अगर चाइनीज़ की बात करें उसमें डिफरेंट होंगे इंग्लिश की बात करें उसमें डिफरेंट होंगे उर्दू की बात करें उसमें हरूफ तहजी जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं तो ये बेसिकली क्या होते हैं अगर हम इन्हें पहली दफ़ा देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाइनीज़ लैंग्वेज को लेटर्स को पहली दफ़ा देखते हैं तो देखने से हमारे माइंड में क्या आएगा कि वो क्या लिखे हुए हैं हमें तो नहीं पता वो ए बी सी है वो क्या अलिफ बे पे है क्या है वो ठीक है तो हमारे माइंड में जो चीज़ आएगी वो ये होगी ना कि यार ये तो सैम्पल है किसी चीज़ का तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि ये बेसिकली क्या होते हैं सिंबल्स होते हैं डेट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट किस चीज़ को करते हैं सिंबल तो हो गए लेकिन वो निशानदेही मैंने कहा सिंबल निशानदेही कर रहे होते हैं लेकिन किस चीज़ की निशानदही तो वो यहाँ पे है साउंड इन अ लैंग्वेज ये जो ए बी सी जो ये जी तक हैं ये बेसिकली साउंड्स हैं ए साउंड एक साउंड को इसने रिप्रेजेंट किया बी एक अलग साउंड को रिप्रेजेंट किया जी एक अलग साउंड को रिप्रेजेंट किया ठीक है तो ये बेसिकली साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एंड यूज फॉर स्पेलिंग वर्ड्स वर्ड्स को स्पेल करने के लिए वर्ड्स को एक तरह से बनाने के लिए हम लेटर्स यूज करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज ट्वेंटी सिक्स लेटर्स आर यूज टू मेक वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं ट्वेंटी सिक्स जो मिलकर वर्ड्स बनाते हैं ए टू जी वेदर दे आर कैपिटल और स्मॉल ये सारे लेटर्स हैं ये सारे सिंबल्स हैं ठीक है जिनको मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं नेक्स्ट देखते हैं वट इज वट आर टाइप्स ऑफ लेटर बेसिकली ठीक है लेटर्स एक ही तरह के नहीं होते वहां भी हमने पिछली स्लाइड में ये जो देखा कि ए टू जी आपने देखा कि कैपिटल ए भी लिखा हुआ है स्मॉल ए भी लिखा हुआ है कैपिटल जी भी लिखा हुआ है स्मॉल जी भी लिखा हुआ है तो यहाँ से हमें एक चीज शो हो रही है कि इनकी कोई कैटेगरीज होंगी ठीक है तो इनकी कैटेगरीज या इनकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स होती हैं एक हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं दूसरी हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं कैपिटल लेटर्स कौन कौन से कैपिटल ए कैपिटल बी ठीक है ये बेसिकली अपर केस में सारे लेटर्स जो लिखे हुए होते हैं वो हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं इसी तरह अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो लोअर uh, केस में हमारे पास सारे लेटर्स लिखे हुए होते हैं जैसे यहाँ पे लिखे हैं ए बी सी तो ये कौन से हैं ये स्मॉल लेटर्स हैं अब यहां पे अगर हम एग्जाम्पल देखें सैयदा ये जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास ये कैपिटल है एंड वाई ई डी ए ये हमारे पास स्मॉल है तो ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के मिलने से बाजात हमारे पास वर्ड्स बन रहे होते हैं ठीक है मोस्टली हमारे पास जो नाउन्स होते हैं उन सबका पहला लेटर कैपिटल होता है ठीक है इसी तरह से कुछ जस्ट स्मॉल में लिखते हैं कुछ uh, सारे अपर केस uh, में लिखते हैं या कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो डिफरेंट वेज में इनको कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं सो so, साउंड्स अब यहाँ पे हमने साउंड्स की बात करनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कौन कौन से होते हैं हमने ये कहा ना कि ये लेटर्स जो होते हैं हमारे पास बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं ऐसे सिंबल्स जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं अब जो वो साउंड्स हैं वो भी दो तरह के हैं फर्स्ट वन इज़ वॉल्स एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्सोनेट्स दो दो तरह के हमारे पास साउंड्स हो गए अब ये जो वॉल्स हैं ये कौन से साउंड्स होते हैं बेसिकली लेटर्स डेट रिप्रेजेंट स्पीच एयर एयरलीज द माउथ विदाउट एनी ब्लॉकेज बाय टंग लिप्स और थ्रोट हमारे मुंह से जो आ, हमारा मुंह है उससे हवा निकलती है जब हम ये वर्ड्स देखते हैं ए ठीक है ई आई ओ यू ये बोलते हुए आपने देखा कि टंग लिप्स या थ्रोट कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं करता कोई भी ब्लॉकेज नहीं करता तो ये हमारे पास वॉल्स साउंड था उसके बाद कॉन्सोनेट्स जो होते हैं वोल्वस के अलावा जो बाकी सारे हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं ठीक है दीज साउंड वो वो पार्शल और कंप्लीट क्लोयर ऑफ द वोकल ट्रैक्ट हमारे जो वोकल ट्रैक्ट होते हैं वो पार्शली या पूरी तरह से बंद होते हैं इनको प्रोनाउंस करते हुए इनको बोलते हुए ठीक है जैसे कि प्लेसिंग द टंग बिहाइंड द फ्रंट टीथ एज विद द कंसोनेंट्स टी एंड डी जब हम टी और डी बोलते हैं तो जो फ्रंट टीथ होते हैं अब ये बोल के देखें खुद अब जो फ्रंट टीथ होती है उसके पीछे अपनी जो टंग को प्लेस करते हैं तब ही हम इन्हें प्रोनाउंस कर पाते हैं टी डी ठीक है इसी तरह अगर हम देखें कि हमने जब बी एम या पी को हमने आ, बोलना होता है या इसको प्रोनाउंस करना होता है तो हमें अपने जो लिप्स होते हैं उन्हें क्लोज करना पड़ता है बी एम पी ठीक है सो ये हमारे पास हैं कॉन्सोनें इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा जो बाकी सारे हैं उनमें भी ये सोनैरियो होगा ठीक है सो जितने भी वॉल्स के अलावा हमारे पास साउंड्स हैं वो सारे हैं कॉन्सोनेट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स देख लिया साउंड्स देख लिए उसके बाद अब हमारे पास अल्फाबेट क्या होता है लेटर्स विच आर यूज टू राइट समथिंग इन अ लैंग्वेज बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स सिंपल वे में लेटर्स का जो ग्रुप होता है हमारे पास वो होता है अल्फाबेट ठीक है नेक्स्ट हम इसको देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स लेटर्स और अल्फाबेट्स में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है लेटर इज अ डेट डेट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन इट्स रिटर्न फॉर्म लेटर बेसिकली किसी न किसी सिंबल है जो किसी ने किसी साउंड को रिप्रेजेंट कर करे ठीक है डेट रिप्रेजेंट्स अ साउंड और अल्फाबेट क्या है इज अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर किसी ना किसी ऑर्डर में अरेंज किए हुए हमारा जो सेट ऑफ लेटर्स हैं वो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं द लेटर्स यूज बाई आज आर क्लेक्टिवली कॉल्ड एन अल्फाबैट कैसे एक है तो लेटर है अगर सब की कुलेक्शन में बात करें तो वो हमारे पास अल्फाबेट है जैसे कि हमने पीछे ये बात की थी कि ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लेकिन अल्फाबेट कितने हैं एक इंग्लिश अल्फाबेट सिर्फ एक है क्योंकि उसमें सारे वो ट्वेंटी सिक्स लेटर्स आ जाते हैं ठीक so, है सो इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी सिक्स लेटर्स ठीक है एक अल्फाबेट है इंग्लिश अल्फाबेट और उसमें सारे जो ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं वो उसी में आ जाते हैं ठीक है ये था हमारे पास लेटर्स और अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट देखते हैं वर्ड लेटर पढ़ लिए वर्ड्स पढ़ लिए अब हम देखते हैं वर्ड को लेटर और अल्फ़ाबेट सॉरी हमने पढ़ लिए अब हम देखते हैं वर्ड को वर्ड क्या होते है? हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स डेट गिव सम मीनिंग दो बातें पहला ग्रुप ऑफ लेटर्स लेटर्स का ग्रुप है दूसरी बात डेट गिव्स सम मीनिंग्स कि ये कोई ना कोई मतलब दे रहा होता है ठीक है जैसे कि यहाँ पे हम बात करें बैट चमकादड़ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट स्टूडेंट हम किसी शागिर्द की बात कर रहे हैं स्कूल किसी स्कूल की बात कह रहे हैं ये कंप्लीट सेंस बन रही है ना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और इसकी दूसरी कंडीशन जो थी ग्रुप ऑफ लेटर्स वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे जो पहला बैट है बी ए टी तीन लेटर्स को मिलके बने स्टूडेंट एस टी यू डी ई एन टी सेवन लेटर्स को मिलके बने इसी तरह स्कूल और इसी तरह बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ए और आई ये एक हालांकि हम देखें तो ये हमारे पास लेटर्स हैं ए और आई लेकिन ये एज अ वर्ड भी यूज़ होते हैं ये यूनिक किस्म के बेसिकली वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एज अ लेटर भी यूज़ करते हैं और एज अ वर्ड भी यूज़ करते हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं इट्स अ फ्रेज अ फ्रेज क्या है हमने देखा लेटर साउंड्स थे लेटर को मिलके हमने बना लिए वर्ड्स अब वर्ड्स के मिलने से भी तो कुछ बनेगा ठीक है सो so, फ्रेज को देखते हैं कि फ्रेज क्या आया वर्ड्स के मिलने से ही बन रहा है या यहाँ पे कोई और कंडीशन भी है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहली बात आ गई ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड्स के मिलने से बन गया दूसरी चीज डेट डज़ नॉट मेक कम्प्लीट सेंस जो पूरा मतलब ना दे मतलब हमें जो फ्रेज होते हैं हमारे पास इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो बन रहा होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता हम एक सेंटेंस या सॉरी एक फ्रेज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें थोड़ी बहुत तो चीज़ की समझ आती है लेकिन पूरी बात की समझ नहीं आती कि ये किस बारे में बात हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल ईट एप्पल्स सेब खाए किसने खाए कब खाए कैसे खाए समझ आई नहीं सिर्फ इतनी बात की समझ आई कि सेब खाने की बात हो रही है सेकेंड इज़ ड्रा मैप्स नक्शे बनाए किसने बनाए कब बनाए कैसे बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा सिर्फ ये समझ आ रही है कि नक्शे बने हैं ड्रिंक वाटर पानी पिया किसने पिया कब पिया क्यों पिया नहीं पता जस्ट ये पता है कि पानी पिया गया इसी तरह ये सारे हमारे पास फ्रेजेज होते हैं जो वर्ड्स का मजमु है सेंस दें लेकिन कंप्लीट सेंस ना दें ठीक है so, सो अब हम नेक्स्ट को देखते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली सेंटेंस अब सेंटेंस क्या होता है ये भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पहली बात सेम होगी फ्रेज की अब आप कहेंगे अगर ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है तो इनको सेपरेट नेम देने की क्या जरूरत है ये इसका जो सेकेंड रूल है उससे आपको समझ आएगी डेट मेक्स अ कम्प्लीट सेंस फ्रेज में हमने पढ़ा कि डेट डज नॉट मेक अ कम्प्लीट सेंस और सेंटेंस में हम पढ़ पढ़ रहे हैं कि डेट मेक्स अ कम्प्लीट सेंस ठीक है सेंटेंस हमें पूरा पूरा मतलब देता है हमें पूरी बात की समझ आ जाती है सेंटेंस पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि किस बारे में बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल आई ईट एप्पल्स मैं सेब खाती हूँ पूरी बात की समझ आ गई राइट दे ड्रॉ मैप्स वो नक्शे बनाते हैं पूरी बात समझ आ रही है आई ड्रिंक वाटर मैं पानी पीती हूँ पूरी बात समझ आ रही है ठीक है तो जहाँ पे पूरी बात की समझ आ रही हो वो हमारे पास सेंटेंस होगा और जहाँ पे पूरी बात की समझ ना आ रही हो वो हमारे पास फ्रेज़ होगा ये डिफरेंस था सेंटेंस और फ्रेज़ में अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की क्योंकि हमने आगे पूरी ग्रामर में इवन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में हमने सेंटेंस को ही ज़्यादा देखना है ठीक है हमने करना क्या होता है सेंटेंस ही बनाने होते हैं जुमले ही बनाने होते हैं वेदर हम कुछ लिख रहे हैं चाहे वो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड या जितना भी एडवांस किस्म का सेंटेंस हो, होगा तो सेंटेंस ही ना ठीक है तो इसीलिए सेंटेंसेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अब उसके हम पार्ट्स को देखते हैं कि सेंटेंसेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं दो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अब सब्जेक्ट क्या होता है ये बेसिकली मेन पार्ट होता है सेंटेंस का विच मैंशंस अ पर्सन प्लेस और अ थिंग पर्सन प्लेस और अ थिंग इससे आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर्स लेने के बाद ज़रूर आएगा लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि पर्सन प्लेस और थिंग इससे हमारे माइंड में डायरेक्ट आएगा कि यहाँ पे नाउन की बात हो रही है तो बेसिकली सब्जेक्ट मोस्टली क्या होता है नाउन या इन सम केसेस प्रो भी हमारे पास होता है क्योंकि प्रो भी तो नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा होता है ठीक है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया मेन पार्ट हो गया सेंटेंस का दूसरा पार्ट प्रेडिकेट अब प्रेडिकेट क्या होता है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स सम थिंग अबाउट सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया मेन पार्ट और सब्जेक्ट के बारे में जो सारी बात हो रही है वो होगा उसका प्रेडिकेट ठीक है सब्जेक्ट मेन पार्ट प्रेडिकेट उसके बारे में जो बात है और प्रेडिकेट भी फर्दर दो में डिवाइड होते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट ठीक है सो uh, so ये हमारे पास थी इसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं आई ईट एपल्स मैं सेब खाती हूँ पहला सेंटेंस इसमें जो आय है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ईट एप्पल्स ये हमारे पास प्रेडिकेट है और अगर हम इसे और फर्दर डिवाइड करें तो ईट हमारे पास यहाँ पे वर्ब है और एप्पल्स जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ठीक है क्योंकि ये वर्ब क्या होता है बेसिकली हमारे पास जो हम काम कर रहे होते हैं उसको शो करते हैं तो यहाँ पे हम अगर खा रहे हैं कुछ ईट eat, ईटिंग ये बेसिकली वर्ब है तो आई ईट एप्पल्स आई सब्जेक्ट ईट हमारे पास वर्ब एंड एप्पल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट वी वी जो है बेसिकली ये हमारे पास सब्जेक्ट है हमारे बारे में बात हो रही है ना ठीक है लव लव हमारे पास यहाँ पे वर्ब है ठीक है और कंट्री ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसी तरह दे दे हमारे पास हमा, वो आ जाता है सब्जेक्ट आर गोइंग ये आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एंड गोइंग इज आल्सो अ वर्ब ठीक है उसके बाद टू स्कूल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है सबा एंड आलिया यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि इस सेंटेंस में सबा एंड आलिया दोनों हमारे पास सब्जेक्ट हैं ठीक है सबा एंड आलिया ये मिलके हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है उसके बाद ड्रा ये हमारे पास वर्ब है एंड मैप्स मैप्स हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है सो दैट्स इट फॉर टुडे अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इस लेक्चर के रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर जो ग्रुप है आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं